अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता था कि शहनाज़ गिल लाइव आने वाली थी अमेज़ॉन पर, और शहनाज़ ने ये अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी बताया था कि वो अमेज़ॉन पर लाइव आने वाली, तो हम सब वहाँ पहुँच गए। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी क्लिप्स थी, ऐसी बातें जो हमें सिद्धार्थ से कनेक्ट कर पाए, जो हमें सिद्धार्थ मोमेंट में ले गए। शहनाज़ ने कहा कि मुझे भी मूंछ आती है और मैं भी अपर लिप्स करती हूँ, तभी तो मैं इतनी सुंदर खूबसूरत लगती हूँ। और यही हमें वीडियोस 13 में ले गए, जहाँ हमारे सिद्धार्थ शहनाज़ को बाथरूम एरिया में अपर लिप्स कर रहे थे, और शहनाज़ कहती है अपर लिप्स सही से कर, सही से कर, सही से बाल दे। सिद्धार्थ कहते हैं कि पूरे बाल निकाल दूंगा। यही तो है जो हमें सिद्धनाज की हर एक छोटी छोटी सी बातें याद आती है शहनाज़ के मुँह से। जब भी शहनाज़ के नाम हम सिद्धार्थ से जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमें सिद्धनाथ शहनाज़ में ही तो नज़र आते हैं। जिस तरीके से शहनाज़ कह रही थी कि मूछ तो हर किसी को आते हैं, और हम उसे अपर लिप्स करवा देते ताकि हमारा मेकअप अच्छा रहे और हम सुंदर दिखें। और आपको याद है ना, बिग बॉस 30 में शहनाज़ किस तरह से ज़िद करके सिद्धार्थ से अपर लिप्स करवा रही थी। और यही एक कमेंट शहनाज़ को आया, रेम्बो मैन विदाउट मेकअप। जी हाँ, ये कमेंट शहनाज़ जैसे ही पढ़ती तो मुस्कुराने लगती है, और शहनाज़ की ब्लेसिंग हमें वही सिद्धार्थ मोमेंट मिली जाती है, जहाँ बिग बॉस 30 में शहनाज़ मेकअप करती है और सिद्धार्थ बेड पे लेट कर शहनाज़ से कहती थी योर लुक इज़ ब्यूटीफुल विदाउट मेकअप, तो मेकअप के बिना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और आपको याद है ना, शहनाज़ ने सिद्धार्थ को ये पगड़ी भी पहनाई थी एक दुपट्टे से, वो भी बाथरूम एरिया में, तो सिद्धार्थ पे भी पगड़ी कितनी अच्छी लगती है ना दोस्तों। हमें एक एक मोमेंट सिद्धार्थ कैसे याद आते हैं, जब भी हम शहनाज़ के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं जो हमें सिद्धार्थ से कनेक्ट कर पाते, क्योंकि हमने बिग बॉस 13 को जिया है। और इसी तरह से हमें सिद्धार्थ के हर एक मोमेंट्स याद आते हैं, जो शहनाज़ को कोई भी कुछ भी पूछे तो हमें सीधा सिद्धार्थ से कनेक्ट कर पाते, क्योंकि ये हमारा रिश्ता दिल से था। और आप देख सकते हो कि जब भी शहनाज़ हर एक मेकअप हाथ में लेके कुछ भी कहती है, तो हमें सीधा सिद्धार्थ की याद आती है। जैसे कि अपर लिप्स हमने वो क्लिप इतनी बार देखी थी कि हमें हर उसके हर एक क्लिप, हर एक बातें याद है दोस्तों।